नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कैसे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर टारगेट बुक करें, लेवल कैसे बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए, मार्केट में ट्रेड तो बहुत बंदा करता है, बट उसमें से भी कुछ बंदा प्रॉफिट करता है, मैक्सिमम लॉस खाता है। एक्चुअली मार्केट को जो देखने का नज़रिया है वो सबका अलग है, और वही एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो आप किस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका नज़रिया आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। देखिए, आज को मैं 29 तारीख का बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, और इस दिन हम लोग मार्केट को किस हिसाब से देखें, क्या क्या चीज़ नोटिस किए, आप उस चीज़ को एक बार फॉलो कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट में ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल था, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। ऊपर में डेट एंड टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले एक ट्रेडर को क्या देखना है, सबसे पहले एक ट्रेडर को जो देखना होता है, जो मार्केट का जो ओपन वैल्यू है वो ओपन कहाँ पर हो रहा है। हम लोग के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देखिए एक व्हाइट कलर का डॉट 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 लाइन दिखाई देगा, राइट साइड में उसका वैल्यू राइट साइड में देखिए लिखा है ब्रेकआउट जोन, जिसका वैल्यू है 44,149। ये जो थोड़ा सा व्हाइट टाइप का कलर है, 44,149, तो ये ब्रेकआउट जोन का वैल्यू है। तो आज को मैंने देखा था मार्केट का जो ओपन वैल्यू है इस लाइन का ऊपर ओपन हुआ, तो इसका मतलब ही है आज थोड़ा सा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो ऐसा केस में मार्केट में मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम मतलब आप सोच सकते हैं मोर देन 75% चांस है मार्केट नीचे गिरा देगा। बट वो नीचे गिराने का जो चांसेस है वो तभी होता है जब वो फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़ेगा। तो ये जो थॉट है ये एक ट्रेडर को मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने का साथ साथ डेवलप करना है। तो आपको भी यही चीज़ देखना है, जो हम लोग का सॉफ्टवेयर में फर्स्ट ओपन कैंडल जो बन रहा है उसका ओपन वैल्यू ब्रेकआउट जोन का ऊपर बनाए कि नहीं, और जैसे ही ब्रेकआउट जोन का ऊपर बन जाएगा आपको पता चलेगा जो मार्केट नीचे आने का चांसेस है ज़्यादा, ऊपर जाने का भी चांसेस है बट उसका चांसेस 25% मतलब बहुत कम होता है, नीचे आने का चांसेस ज़्यादा होता है। बट वो चांसेस कब लगेगा, जब फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़ेगा, उसका पहले नहीं। अब ऐसा हो सकता है जो 25% वाला जो चांस है वो भी लग गया, तो वो कब लगेगा, जब फर्स्ट कैंडल का हाई का ऊपर जाएगा। देखिए, आज को मैं अगर देखूंगा फर्स्ट कैंडल का हाई था लगभग 44,395, तो 44,395 का ऊपर आप बाय कर सकते हैं, बट कितना दूर तक के लिए। ऊपर में आपको एक ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाई देगा जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका वैल्यू है 44,498। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का एक मूवमेंट दिख रहा है, तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए ख़राब नहीं है। यहाँ पर लग रहा है जो मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था, बट फिर भी ये 100 पॉइंट का मूवमेंट कर गया ऊपर की तरफ। नेक्स्ट कैंडल से भी अगर आप एंट्री लेते हैं, नीचे का रिबाउंड को देखना है, ब्रिक्स को देखना है, इस कैंडल का जो हाई था देखिए 497 का मार दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो विद इन 1 आवर मार्केट तो उतना खास मूवमेंट नहीं दे रहा था, साइडवेज ही था, बट साइडवेज का अंदर भी ये आपको 100 पॉइंट निकाल के दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट खराब रहने से आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट शायद नहीं मिलेगा, बट ऐसा साइडवेज मार्केट में भी अगर आप 80 से 100 पॉइंट निकाल ले रहे हैं इजीली तो भी आपको सोचना है। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई ने 497 का हाई मारा था, मतलब लगभग 10:40 पे आप यहाँ पर 100 पॉइंट का एक मुनाफा बना लिए। अभी जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपको सुबह को पता चल गया था, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब इतना दूर तक जा सकता है, इसका बात लेवल नहीं है। तो अल्टीमेट देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन को बहुत बार टच किया और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया और सेलिंग का कॉल बन गया था। अब ये जो सेल का कॉल है, ये जो फ्रेश कॉल है लगभग 1:45 बजे बना था, 12:45 पे, यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से नीचे का रिबाउंड रेड था, ब्रिक्स आपका फेवर में था, बट कोई स्टार नहीं बना था। स्टार देखिए एकदम बाद में बना और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट किया नीचे का तरफ, मेरे हिसाब से और थोड़ा नीचे जाना चाहिए था ये रेड डॉटेड लाइन। तो आज का जो मार्केट है देखिए उतना खास मूवमेंट नहीं है, बट इस मूवमेंट में भी
अगर आप 100 पॉइंट निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का साथ खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा। हमेशा सॉफ्टवेयर में सिग्नल आएगा तभी ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं। अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपका पास नॉलेज है, तो आप मार्केट में कहीं पर भी पैसा बना सकते हैं। तो यही मैं एक ट्रेडर को बोलता हूँ, मार्केट का कंसेप्ट को समझिए, मार्केट का लेवल को समझिए, कहाँ पर पैसा बनाना है, कहाँ पर नहीं बनाना है, इसको अगर आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो अल्टीमेट देखिए, मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया था। देखिए यहाँ पर भी सेलिंग करके फर्स्ट टारगेट तक गया था, बट मेरे हिसाब से ये रेड डॉटेड लाइन, ये आपका लेवल है, और उसका भी नीचे मार्केट में काफ़ी नीचे का तरफ मूवमेंट होने का चांसेस है। बट यहाँ पर उतना खास गिरा नहीं है, साइडवेज में ही खड़ा किया। बट बाइंग का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर बहुत बंदा ट्रेड नहीं करेगा, बट मैं बोलूँगा यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क लेके 100 पॉइंट इजिली निकाल सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को सही से फॉलो कीजिए, देखिए आप पर डे कुछ ना कुछ अर्निंग कर लेंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं, तो एक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। और अगर आप इस मार्केट में न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, तो और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका पास एलेक्स ब्रू की तरफ से फोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और इस तरीके का काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल को ओपन करके और कुछ वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लिया और वहाँ पर बाई सेल सिग्नल आएगा और आप वहाँ पर पैसा बनाते रहेंगे, दिस इज नेवर पॉसिबल। अभी जो मार्केट का हालत है उस हिसाब से तो कभी नहीं। तो मार्केट को देखने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, मार्केट को सही से फॉलो करना सीखिए। देखिए छोटा छोटा करके भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा तो ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको लग रहा है मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो उस कॉल में ट्रेड ही मत कीजिए, लॉस खाने से अच्छा है किसी दिन आप ट्रेड ना करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।